मुझे लगता है कि जो तानाशाह बिरादरी होगी ना, वो सबसे ज़्यादा दुखी होती होगी। उनको लगता है कि तानाशाह का इतना डिवेल्यूशन हो गया है, इतना अपमान हो रहा है, इतना डिग्रेडेशन हो गया, ऐसा कैसा तानाशाह जो तानाशाह की गालियाँ सुनता है फिर भी कुछ बोलता नहीं है। तो जो एक्चुअल तानाशाह हो गया ना, उनको लगता है हमारा मार्केट डाउन हो रहा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ और ये मैं मानता हूँ, मैं ये कोई मेरे पॉलिटिकल वर्जन नहीं है, ये नामदार है, हम कामदार हैं, और इसलिए हमारे नसीब में गाली गलौज अपमान लिखा हुआ है जी। और ये बात मैं कोई राजनीति मानने की बात कह रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं बचपन से इसी जिंदगी गुजर करके आया हूँ जी। सामान्य जीवन में भी हमने अपमान बहुत सहन किए हैं बचपन में, क्योंकि हम ऐसी जिंदगी से मैं निकला हूँ कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है हम मान के चलते भाई, हम सहन कर लेंगे जी, ये मैं हम उसी से पले बड़े हैं। तो इसके कारण एक प्रकार से मन हमारा, कोई हमारी तारीफ करे तो उस दिन आश्चर्य होता है, यार कुछ सचमुच में गाली दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि बचपन से यही सुना है। बड़े लोग जो होते हैं, जो नामदार होते हैं, वो तो हम लोगों को ऐसा ही करते हैं जी। मैं कप प्लेट धोता था जी, तो कभी किसी के मैंने ऐसा, जो मेरे छोटी सी दुकान में चाय पीने वाला, वो कप प्लेट वो भी डांट देता था मुझे, कैसा कैसा है वैसा कहें। चाय भी अगर ठंडी हो तो भी थप्पड़ मार देता था, कैसी ठंडी चाय क्या लायक है। उस समय तो था 1 रुपये भी कीमत नहीं थी चाय की। तो बचपन में हम सह करके आए हैं जी, तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा शिकायत ही नहीं है, पर बात मैंने शायद यही व्यवस्था मेरे लिए लिखी हुई है।